नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लैंक में ब्लास्टिंग टॉप बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं बट जिस हिसाब से हमको रिजल्ट आना चाहिए वो आ नहीं पाता। कहते हैं ना, बुध अगर, जैसे मैंने हमेशा बताया, मैं बार बार इसलिए समझाती हूँ, किसी को वीडियो मिलती है किसी को वीडियो नहीं मिलती पाशा लोगों, तो कहते हैं ना, अगर एक से दूसरी बार अगर समझ भी लोगे तो उसमें क्या जाता है। सीधी बात है ना, जब बुध कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं एस्पेक्टेड है या कंजंक्ट विद शनि है तो वो क्या करता है, कहते हैं ना, जिंदगी को एक बेपंदे के लोटे जैसे बना देता है। हमको लगता है अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ना हो पाता। कसम से मैं एक चीज बता रही हूँ, जिन जिनकी अभी कंसल्टेशन हुई थी उन्होंने क्या बोला कि अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा ना कोई उसका पता नहीं कजन था या कोई था, 2 साल से बैठा रहा कि नहीं नहीं मैं तेरे को अपने बिजनेस में लूंगा, बिजनेस पे लूंगा, के अपने बिजनेस के साथ इन्वॉल्व करूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी एंगेजमेंट हुई वो कहता कि साफ साफ बोल दिया, देख देख भैया तुझे जो काम करना है तू कर, मैं तेरे को अपने काम में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जो एक तरह का सपना तोड़ देता है। बुध जैसे शनि काम करता है वैसे ही पाशा लोगों बुध और केतु भी काम करते हैं। सीधी सी बात है ना, वो भी वैसे ही दिखाएंगे। बस अब कहते ना मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये इन्वेस्ट कर दूंगी, फिर उसके बाद तो बस मेरा काम चल जाएगा, मैं पूरी अपनी फैमिली को संभाल लूंगी। लेकिन उस हिसाब से कुछ नहीं हो पाता। कहने का मतलब, बुध मंगल क्या करता है दिमाग में, ब्रूम। बुध राहु क्या करता है, बुध राहु ये करता है कि कहीं ना कहीं इतना भटकाव दे देता है बंदा, यहां भी जाएगा काम करने, वहां आज हम ये काम कर देते हैं, चलो भाई ये काम कर लेते हैं। जैसे बुध राहु काम करता है, कई बार बुध जुपिटर की भी यही आदत होती है। कहते हैं ना, ऐसा हो जाए जी हम वैसा कर लेंगे, बस जी कर ही लेंगे, लेकिन जहां पर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वहां पर वो चीज रह जाती है ना। तो अगर ये चीज है ही है, बुध मिसकम्युनिकेशन भी देता है। बुध इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कंसीविंग में भी दिक्कत लाता है ना। बुध क्या होता है, जब बुध नेगेटिव होता है हमारा जो घर का जो क्या कहते हैं पैसा होता है, जमा पूंजी, वो बस कहते हैं ना खाली होता चला जाता है। जो हमारे भंडारे भरे होते हैं बाप दादा की के वो कमाई होती है वो खाली होती चली जाती है। फिर कई बार हमको लगता है यार हमारे ऊपर ना किसी ने कुछ कर करा दिया है। मैंने पहले भी बोला है और प्रूफ भी किया है, ये कुछ कर करा नहीं दिया, ये बुध नेगेटिव है बाबा, है ना। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं आपको वो बताने जा रही हूं। मिसकम्युनिकेशन, अगर बुध जिनका नेगेटिव होगा तो घर पे कोई ना कोई कहता है, चाहे सिस्टर्स हो चाहे मदर्स हो, जैसे जॉइंट फैमिली है तो जो कजिन होंगे वो कहते हैं ना, मतलब उस बंदे को कई बार दुत्कारते भी जाते हैं, इमोशनल पेन के थ्रू भी गुजरता है। जो स्किन अच्छी देता है वो कौन देता है, वो बुध भी देता है, शुक्र भी देता है, सूर्य भी देता है ना। तो मैं कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ, इस चीज को आपने लगातार करना। देखो भैया, जो पक्के उपाय बताती हूँ है ना, अब मेरे बस की बात तो नहीं है कि बस जी एक दो बता दूं, ये छोटा छोटा है ना, बस वीडियो बनाने के लिए जी बता दिया या उसके बाद क्या है। मैं आपको वही चीजें बताऊंगी जो मेरे को पता है, क्योंकि कितने लोग हैं जो कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बोल भी नहीं रही, मैं अपनी तरफ से अपनी जान लगाऊंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, चाय पत्ती लेनी है ना, चाहे बेशक 250 ग्राम ले लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो 250 ग्राम चाय पत्ती को प्लेट में रख लो, पत्तल में रख लो, ऐसे ऐसे उठा के, ऐसे उठाकर, है ना, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः 11 बार, फिर ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ऐसे करते करते 11 बारी, टोटल 11 बारी। एक बार किया 11 बार मंत्र बोला, दूसरी बार किया 11 बार मंत्र बोला, है ना। अब क्या करना है, ये जो होगा, जो भी सफाई कर्मचारी है अच्छे से पैकेट में करके, वो सफाई कर्मचारी को अपने रोज देना है, जितना अपना कैपेसिटी हो कोई बात नहीं, सच्ची कसम से कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। हर बंदे को अपने हालात देखने होते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसके घर पे ही उतना नहीं है
कैसे करेंगे, बट हमने काम तो बनाना है। जितनी अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप अपना कर लो। ये जो है 43 डेज तक आपने सफाई कर्मचारी को जरूर देना है, जैसे जो नीचे झाड़ू वगैरह लगाते हैं। एक और चीज बताऊं, मछलियां होती ना, मछलियां, जिंदा मछलियां है ना, जिंदा मछलियों को आपने बहते जल में प्रवाहित करना है 21 हफ्ते। देखो अगर तो लगातार 43 डेज तक कर दिए, आप भी उधर बैठे मैं भी इधर बैठी, कमाल नहीं महाकमाल देखना। आप ना ये जो छोटी छोटी चीजें होती है इतने बड़े बड़े बांध खोलती है ना, आप इसका सोच भी नहीं सकते। ये जितनी चीज बता रही हूं बहुत पक्के उपाय बता रही पाशा लोगों। तो कुछ मछलियां लेकर अगर तो 43 डेज तक कर सके लगातार बहते जल में प्रवाहित करना, बहुत बढ़िया है ना। और क्या कहते हैं, नहीं तो 21 बुधवार मिनिमम इस चीज को कर दो, आप देखोगे इतना ज्यादा फर्क महसूस होगा आपको जिसकी कोई हद बात नहीं। एक और चीज, नमस्कार, मैं एक सेकंड वीडियो बना रही हूँ मदर, वास्तु क्लास चल रही थी ना मम्मी की, तो उधर से आई है। फिर चलो जिनको वास्तु क्लासेस, क्या कहते हैं, वास्तु क्लास जो प्रोफेशनल क्लास है, रजिस्ट्रेशन ऑन है, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल बैक करूंगी। अभी बैचेस ऑन है तो अलग अलग बैचेस हैं और इसमें हम ज्यादा लोग नहीं लेते, 4-5 बंदे एक बैच में लेते हैं, क्योंकि जितने लोग होंगे कई बार अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही ना कर पाए तो कैसे उस्ताद बनोगे, सीधी बात है ना। एक और चीज आपको बताती हूँ, थोड़ी सी फिट करी अपने सामने रखकर, जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना बुध को सबसे बेस्ट बेस्ट चीज है ठीक करने का, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ऐसे अगर रोज 11 माला करते जाओ वेडनेसडे से शुरू होकर, और अगर इसको कंटिन्यूटी में कर दिए, आप देखोगे आपके रूप में, लोगों के बोली में, लोगों के चालों में। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ है ना, लोग कोसते रहते हैं मेरी सास ऐसे, पहले तो मैं इवेंट मैच करती हूँ, जब भी कंसल्टेशन शुरू करती हूँ पहले पास्ट की इवेंट मैच करती हूँ, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था तो नेगेटिव हो गया, सीधी बात है। हमेशा मैंने बोला है कि वो सास सास नहीं है, वो तुम्हारा ग्रह है, जब ग्रह ठीक होने शुरू हो जाएंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, लोगों के बोली भी शुरू ठीक हो जाएगी, लोगों के चाले भी शुरू हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। फिटकरी को अपने सामने लेकर ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, चलो कोई बात नहीं, 11 नहीं कर सकते 5 कर लो, 5 नहीं तो 1 माला कर ले। अब आपने क्या करना है, इसको आपने तवे पे इसको इसका पाउडर सा बना देना है। अब इस पाउडर से आप अपना ब्रश करना शुरू कर दो। मम्मी का इतना बदतर टाइम था, छोटे छोटे होते थे, आपको मैं बता भी नहीं सकती, कसम से बता रही हूं आज आपको है ना। पहले भी मैंने कितनी बार बताया, मैंने कसम से आज तक एक कंसल्टेशन नहीं करी जिसने हमारे जैसा बदतर टाइम, आपको कितनी चीजें तो पता ही नहीं पाशा लोगों है ना। और ये कुछ सालों बाद अपनी बताऊंगी पर्सनल वाली भी है कि नहीं, तब सोचोगे कि क्या ही बताऊं है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा एक और चीज आपको बताती हूँ, कितने लोग बोलते हैं उनकी स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़े जा रहे हैं, प्लीज आप चेक कर लेना कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट में कोई आपने वो क्या कहते ग्रीन तो नहीं है, वेस्ट में ग्रीन या रेड कलर तो नहीं है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कहीं ग्रीन कलर रेड कलर तो नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो चीज है वो एंटी एलिमेंट हो गया, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम डालेगा, आप समझे, वो स्किन रिलेटेड इश्यूज देगा वो कहीं ना कहीं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट किसका जोन होता है, सपोर्ट का जोन होता है। तो आप देखोगे जो आपके साथ सपोर्ट करने के लिए लोग हैं वो भी कहते हैं ना लोगों से सपोर्ट टूटे जा रहा है, वेस्ट हो गया वो विश फुलफिलमेंट का, वहां के जो देव है वो कौन है, वरुण देव है, जिनके असिस्टेंट कौन है, पुष्पदंत है, जिनका काम क्या है, ले ले जो चाहता है जतु, तथास्तु तथास्तु बोलती है ना। तो अब अगर वेस्ट में कहीं ना कहीं ग्रीन कलर आ गया, एंटी एलिमेंट आ गया, तो वो क्या, विश फुलफिलमेंट का भंग कर दिया, लाल कलर आ गया तो भंग कर दिया, पिंक कलर आ गया तो भंग हो गया है ना। हम ये चीजें तो ध्यान देते ही नहीं, अगर वेस्ट में ना तो ग्रीन कलर होना चाहिए, वेस्ट में ना तो रेड कलर होना चाहिए, वेस्ट में ना तो
पिंक कलर होना चाहिए। ये सारा नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट का जो एरिया है यहाँ पर अगर ग्रीन कलर आएगा ये एंटी एलिमेंट है, ये अगर वेस्ट है ये हमारा ईस्ट है तो वो क्या हो गया एंटी एलिमेंट, विश फुलफिलमेंट को उसने काट दिया। तो मुझे अब ये मत बोलना हमारा तो बगीचा अब हम क्या करें, मैंने आपको बता दिया, आपने अपने हालात देखने, आपने अपनी चीजें, मैं तो बता तो नहीं हूं, वास्तु से आपके हालात बता सकती हूँ, आपके हालात से आपका वास्तु बता सकती हूँ, बता ही रही हूं, ऐसी भी बात नहीं, लाइव में देख लो जब जैसे था वो वैसे होता चला गया, सीधी सी बात है ना। काफी चीजों के बारे में हम डिटेलिंग में भी डिस्कस करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, ट्राई करूंगी कि कल सबके लिए टैरो करूं, है ना। हमारा दिसंबर महीना कैसे जाएगा मेरे पाशा लोगों के लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आरिका शाइना जंतरमन मिरेकल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, विजय को लाइक करो, विजय को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। मेरे को कुछ और एक्चुअली बताना था थोड़ा सा, लेकिन वो कल वाली वीडियो में बताऊंगी। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।